वीरांगना नगरी झांसी दद्दा ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ भव्य आयोजन, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने सभी खिलाड़ियों का परिचय लिया और विद्युत खेल का शुभारंभ किया। इसमें मध्य प्रदेश DSSK एसोसिएशन मध्य प्रदेश के टीम व उत्तर प्रदेश व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन की टीम के बीच 15 ओवर का मैच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की टीम ने बल्लेबाजी का निर्णय लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम 52 रन पर ढेर हो गई। वहीं मध्य प्रदेश की टीम ने प्रदर्शन करते हुए यह मैच अपने नाम किया। मध्य प्रदेश टीम के प्रेसिडेंट अशोक कुमार, जनरल सेक्रेटरी PN पांडे, कोच ब्रजवल्लभ शर्मा, टीम के कप्तान देवेंद्र साहू, उप कप्तान तुलसीदास कुशवाहा एवं सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले जय अहिवार को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की टीम के प्रेसिडेंट मोबाइल मोहम्मद उमर, जनरल सेक्रेटरी दिनेश यादव, कोच रत्नेश दीक्षित, कप्तान मनोज कौशिक व ईश्वरी प्रसाद के सर्वाधिक 19 रन बनाकर अहम योगदान दिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश की विजेता टीम को मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को भी ट्रॉफी और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि यह खेल जो दिव्यांग खेल रहे हैं, अपने खेल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, यह एक अनूठी मिसाल है। ऐसे खिलाड़ी और ऐसी प्रतिभागी दिव्यांग भाइयों बहनों को हमेशा सेवा भाव के साथ उनके साथ खड़ा रहूंगा। इस अवसर पर विशेष रूप से पुनीत गुप्ता, विशाल गुप्ता, विक्की संदीप, नामदेव, बलवंत यादव, धर्मेंद्र खट्टी, राजू सेन, राकेश अहिरवार आदि उपस्थित रहे। हमारी बहन मनीषा जी द्वारा और भी पूरी टीम द्वारा सजाया गया और शायद 400-500 दिव्यांगों को यहाँ पर इकट्ठा कर उनको कंबल वितरण किए गए एवं नाश्ता पानी की सबकी व्यवस्था की गई और उनमें उत्साह बढ़ाया गया। दीदी क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिपेंड आप जिस पर आत्मनिर्भरता का वो बनाए रहे तो हम सब लोग जो स्वस्थ आदमी है सारे लोग उनके साथ में हैं। और इस बात का आज हम वचन दिए यहाँ पे कि तन मन धन तीनों से या व्यापार जो भी करना होगा, मनीषा बहन जी या इनका जो ग्रुप है वो भविष्य में जो भी हमसे कहेगा हम उसके लिए तत्पर हमेशा तैयार रहेंगे। और धन्यवाद कहते हैं दिव्यांग लोगों को यहाँ पे उपस्थित जो प्लेटफॉर्म हमें दिया है, धन्यवाद। बड़ा अच्छा कहती हैं आप, बड़ा अच्छा बोलते हैं। माता रानी साहब तो हम जरूर चाहेंगे कि आपका साथ जिंदगी में बना रहे और अपने दिव्यांग भाइयों से और बहनों से और बेटियों से एक ही बात कहना चाहते हैं हम, सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ डिपेंड, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता कभी मत छोड़ना। अगर अपन दिव्यांग है या शरीर का कोई अंग भंग है तो यह ईश्वरीय देन है। समाज में जो स्थान एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को है वो आपको भी है। अगर आपको ऐसा लगता है जिंदगी में कि कभी भी अपने भाई संदीप सरावगी की जरूरत है आपको, तो आप मनीषा दीदी द्वारा या किसी के द्वारा भी हमारे पास तक आइए जरूर। जो आप चाहते हो, बिजनेस करना, आपकी कोई हेल्प करना हो, कुछ भी समर्थ है, भगवान का दिया हुआ है, हम जरूर करेंगे। इस बात का वचन देने के लिए ही इस मंच पर आए थे और धन्यवाद करते हैं आप लोगों को, मनीषा बहन जी को, जिन्होंने यहाँ पे हमें सब लोगों के बीच में स्थान दिया। और यह दिव्यांग दिवस जो है वो हीन भावना से नहीं मनाया जाएगा आने वाले समय में, बड़े हर्षोल्लास के साथ आपके बीच में एक फैमिली मेंबर बन के बनाएंगे। जब भी आप बुलाएंगे हमें यहाँ जरूर उपस्थित पाएंगे, क्योंकि एक बात बिल्कुल सत्य है कि जो हमारे साथ खड़ा वही सबसे बड़ा, हम हैं आपके साथ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।